जय हिंद दोस्तों। आज 25 जनवरी सैनिक खबरों में सबसे पहले बात करेंगे 100% डीएलसी से में संतुष्ट करना बैंक की जिम्मेदारी। पेंशन विभाग ने जारी किया लेटर। डीए 18 महीने बकाए के डीए के एरियर 15,000 से 35,000 के भुगतान पर लेटर जारी हुआ है, इस पर बात करेंगे। बजट 2024, 8वें वेतन आयोग का गठन और टैक्स छूट 7 लाख होने की उम्मीद, इस पर बात करेंगे। सेना में मैन पावर पर चलेगी कैंची, दिक्कतें होंगी खत्म। ओआरओपी और इक्वल एमएसपी 15,500 पर मोदी जी के एक सांसद ने सैनिकों से किया वादा, इस पर बड़ी अपडेट है। गणतंत्र दिवस पर पति पत्नी सैनिक दोनों होंगे परेड का हिस्सा। एक्स सर्विसमैन के लिए 10,885 वैकेंसियों में 10% वैकेंसियां भूतपूर्व सैनिकों के लिए हैं, इस पर बात करेंगे। सबसे पहले हम पहली खबर से बात करते हैं। केंद्र सरकार के पेंशन विभाग ने सभी पेंशन वितरण प्राधिकरण यानी कि बैंकों और सीजीडीए को निर्देश दिए हैं कि 100% संतुष्टि करना बैंक और सीजीडीए की जिम्मेदारी है, ना कि पेंशनर्स की। अगर आपके पास एक बार डीएलसी भर भर देता है पेंशनर्स, तो उसके बाद सीजीडीए या बैंक की जिम्मेदारी होगी कि 100% संतुष्ट होने के बाद होना पेंशनर्स की जिम्मेदारी नहीं है। इसमें कहा है कि 100% संतुष्टि दृष्टिकोण के तहत डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट, जीवन प्रमाण पत्र नवीनीकरण के लिए बैंक, पेंशन भोगी कल्याण संघ और सीजीडीए अपवाद सूची में पहचान किए गए 7 लाख पेंशन भोगियों से संपर्क करेगा। यानी कि 43 लाख जो डीएलसी भरे गए, उसमें 7 लाख ऐसे हैं जिनकी डीएलसी गलत सबमिट हुई है। तो अब ये कहा गया है कि सीजीडीए हो या बैंक हो या पेंशन भोगी कल्याण संघ हो, उनको इनको खुद फोन करके इनके डीएलसी के लिए दोबारा कहना होगा कि डीएलसी दोबारा भरो। अब पेंशनर्स की जिम्मेदारी नहीं होगी। और ये प्रेस रिलीज जारी हुई है 24 जनवरी 2024 को। तो इसमें कहा गया है कि डीएलसी की जिम्मेदारी बैंक और सीजीडीए पेंशन डिपार्टमेंट की रहेगी। दूसरी बड़ी अपडेट है, एक लेटर जारी हुआ है और ये लेटर 20/1/2024 को जारी हुआ है। इसमें कहा गया है रिक्वेस्ट फॉर रिव्यू ऑफ डियरनेस अलाउंस एरियर फॉर द कोविड पीरियड। कोविड पीरियड का जो 18 महीने के 3 किस्तें बकाया है, उसका जल्द भुगतान किया जाए। और बता दें, ये भुगतान एज पर बेसिक के हिसाब से 15,000 से लेकर लगभग 35,000 तक भुगतान बकाया है। जैसी जिसकी बेसिक है, उसी हिसाब से ये भुगतान बकाया है। और इसके लिए लेटर लिखा गया है, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर को लिखा गया है लेटर। ये लिखा है संगठनों ने, और संगठनों का ये लेटर तब आया है जब, बता दें, बजट सत्र शुरू होने वाला है। और इससे पहले बता दें, फाइनल स्टेज ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इंटरिम यूनियन बजट 2024 कमेंसेस विद हलवा सेरेमनी। हलवा सेरेमनी कल यानी कि 24 जनवरी को की गई। और इसमें बता दें कि जो वित्त मंत्री सीतारमण जी हैं, उन्होंने भाग लिया। और इसके साथ में डॉक्टर भगवंत किशन राव कराड़ ने भाग लिया। और इसमें हलवा सेरेमनी के बाद 1 फरवरी को जो बजट है उसका अनाउंस किया जाएगा। इसमें बहुत सारी उम्मीदें हैं कई लोगों को, और जो केंद्रीय कर्मचारी हैं उनको भी कई उम्मीदें हैं। और बता दें, ये जो हलवा सेरेमनी की गई, ये कल की गई थी। तो इसके बाद जो बजट आएगा, इस पर क्या क्या उम्मीदें हैं उसकी बात करें, उससे पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं। बता दें, लोकसभा चुनाव को देखते हुए सरकार बड़ी बड़ी घोषणाएं कर सकती है, क्योंकि लोकसभा इलेक्शन कमीशन 2024 में इलेक्शन कमीशन ने टाइमिंग निर्धारित कर दी है, 16/4/2024 से लोकसभा इलेक्शन होंगे। इसी बीच बजट सत्र भी आना है, और सरकार चाहेगी कि हर तरह से जो पेंशनर्स हैं, केंद्रीय कर्मचारी हैं, उनको प्रभावित किया जाए। और उसके लिए बता दें, 1 फरवरी जो बजट सत्र 2024 होगा, उसमें क्या क्या बढ़ सकते हैं, क्या क्या किस पर निगाह रहेगी। सबसे पहले 8वें पे कमीशन का गठन की संभावना है कि 8वें पे कमीशन के गठन के बारे में कोई घोषणा हो सके। ओआरओपी 3 लागू किया जाए, क्योंकि 2024 जुलाई से ओआरओपी 3 लागू करना है। सरकार हो सकती है ओआरओपी 3 लागू करे। 18 महीने बकाए डीए पर भी सरकार
दे सकती है, इसकी घोषणा कर सकती है। इसके बाद इनकम टैक्स 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख की इनकम टैक्स छूट दे सकती है सरकार। तो ये उम्मीदें हैं, इसके अलावा और भी कई उम्मीदें हैं, तो ये मेन मेन उम्मीदें हैं। बात कर लेते हैं एक और बड़ी खबर से, आर्मी अब मैन पावर को कट करने की कोशिश करने जा रही है। और बता दें ये सेना ने इसलिए किया है कि अब जो फील्ड एरिया में जहां पर पहाड़ियों में सैनिक या खच्चर की मदद से सामान चढ़ाया जाता था, अमनेशन, इसके बाद खाने का चीजें, इस अब ड्रोन की सहायता से चढ़ाई जाएंगी। इससे मैन पावर की कमी कटौती होगी, जिससे कि सेना की निचली पोस्टों में मैन पावर की कमी नहीं रहेगी। तो ये बड़ा स्टेप है, ड्रोन की मदद से अब सामान चढ़ाया जाएगा। बात कर लेते हैं एक और बड़ी खबर से, बीजेपी मोदी सरकार के एक सांसद हैं, उनके सामने ओआरओपी और इक्वल एमएसपी की बात कही गई। तो मैं पूरी बात आपको बताऊं, उन्होंने वादा किया है कि हम इक्वल एमएसपी और ओआरओपी की विसंगतियों को दूर करेंगे। ये वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी जिला कांगड़ा की तरफ से एक विशाल सम्मेलन किया गया था, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर सांसद, राज्यसभा सांसद इंद्र कुमारी इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पधारी थी। सांसद इंदु गोस्वामी ने सभी पूर्व सैनिकों को संबोधित करते हुए कहा कि वेटर्न्स, सभी वेटर्न्स देशभक्त होते हैं, भारत माँ की रक्षा करते हुए की है उन्होंने। इंदु गोस्वामी ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2016 में वन रैंक वन पेंशन का तोहफा पूर्व सैनिकों को दिया है। यह मांग 1973 से लटकी थी, आगे भी फौजियों को मोदी हर सुविधा प्रदान करते रहेंगे। समारोह में सांसद इंदु गोस्वामी ने 75 साल से ऊपर वीर नारियों को समाज में अच्छे कार्य के लिए सम्मानित किया, लेकिन इसमें जो पूर्व सैनिक हैं वो उनकी बातों से सहमत नहीं थे। और उन्होंने जो पूर्व सैनिक हैं, जिसमें अध्यक्ष थे कैप्टन जेएस जरवाल, सूबेदार विजय भट्ट जी, अध्यक्ष देवेंद्र सिंह, कैप्टन अनिल शर्मा, कैप्टन ओम प्रकाश, कैप्टन देशराज, कैप्टन रमेश कटोच, कैप्टन सुरेश परासर, कैप्टन सुभाष, अध्यक्ष कैप्टन रवि संग्राम और 350 और वेटरन्स, 50 वीर नारियां तथा 12 समाज सेवी संस्थाएं भी शामिल हुई। इसमें जो मेन मेन बात कही गई, बता दें कैप्टन दुर्गेश जो थे, इन्होंने जो अजय भट्ट के ने जो कहा वन रैंक वन पेंशन, ओआरओपी 2 की विसंगतियों के बारे में बारीकी से बताया उनको, जो सांसद जी आए थी उनको। उन्होंने कहा कि जंतर मंतर पर रामलीला में जो रैली वन रैंक वन पेंशन के समर्थन में निकाली गई थी, पहली बार कांगड़ा में लगभग 1600 वेटर्न्स वीर नारियां पहुंची थी। अजय भट्ट जी ने कहा कि किसी वेटर्न्स का स्वर्गवास हो तो स्टेशन हेडक्वार्टर से 4 या 5 सैनिक की टोली दिवंगत वेटर्न्स को फूलमाला और मान सम्मान के लिए जाना चाहिए। भट्ट ने यह भी कहा कि इक्वल एमएसपी 15,500 करने की बात कही, सभी सैनिकों को इकट्ठा होकर साथ चलने की बात कही, जो सब सैनिक एकता की निशानी है, एकजुटता दिखाई जानी चाहिए, जनरल से लेकर सिपाही तक बराबर एमएसपी मिलनी चाहिए। प्रदेश अध्यक्ष कैप्टन पटियाल ने वेटर्न्स को क्या मिल रहा है इसके बारे में उन्होंने कहा कि आर्मी कैंटीन में वीर नारियों के लिए सीएचडी काउंटर अलग होना चाहिए, वन रैंक वन पेंशन की विसंगतियों का लाभ सभी को मिलना चाहिए, जेसीओ रैंक और कई ऐसी रैंकें हैं जिनको इसका लाभ नहीं मिला है। तो सांसद जी जो थे उन्होंने इन्होंने कहा कि हम इनकी बात को आगे बढ़ाएंगे और सरकार तक ले जाएंगे। बात कर लेते हैं एक और बड़ी खबर से, पहली बार सेना का जोड़ा गणतंत्र दिवस परेड में कर्तव्य पथ पर मार्च करने के लिए तैयार हुआ है। बता दें मेजर जेरी ब्लेज और कैप्टन सुप्रीति सिटी 26 जनवरी गणतंत्र दिवस परेड में दो अलग अलग टुकड़ियों के सदस्य के रूप में कर्तव्य पथ पर मार्च करने वाले पहले जोड़े बनने जा रहे हैं। और बता दें ये इतिहास में पहली बार हो रहा है कि पति पत्नी दोनों एक साथ गणतंत्र दिवस में पहली बार मार्च करेंगे। बात कर लेते हैं जॉब से लेटेस्ट अपडेट है, जॉब से जो लेटेस्ट अपडेट निकली है, दिल्ली में डायरेक्टर जनरल ऑफ होम गार्ड की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है। इसके फॉर्म 24/1/2024 से 13/2/2024 तक भरे जा सकते हैं। बता दें इसके जो ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे, 10,285 होमगार्ड के पदों पर वैकेंसी निकाली गई है और ये वैकेंसी 10% भूतपूर्व सैनिकों के लिए है। एक्स पैरामिलिट्री फोर्स भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं।
देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है, और बता दें 10th पास होना जरूरी है, 55 साल तक के एक्स सर्विसमैन या एक्स पैरामिलिट्री फोर्स अप्लाई कर सकते हैं। एक्स सर्विसमैन 10th पास या एक्स पैरामिलिट्री फोर्स 10th पास होना जरूरी है, इसमें अप्लाई कर सकते हैं। हाइट 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ये थी जानकारी इस वीडियो में, इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करके रखें। थैंक यू। जय हिंद।